भी आप तक पहुंचा देते हैं, जहां पर पैरालंपिक में मेडलिस्ट खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश होगी। अब गोल्ड मेडलिस्ट मनीष नरवाल को सरकार 6 करोड़ रुपए देने जा रही है और इसके साथ ही सिंगराज को 4 करोड़ की राशि से सम्मानित किया जाएगा। दोनों खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी हरियाणा सरकार द्वारा। तो हरियाणा सरकार हमेशा से ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती आई है और ऐसे में मेडल जीतने के बाद ये खुशी दुगनी हो जाती है। बड़ी खबर पैरालंपिक्स से, टोक्यो पैरालंपिक्स से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर निशानेबाजी में कमाल दिखाने के बाद अब खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश होगी, क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट मनीष नरवाल को सरकार 6 करोड़ रुपए देने जा रही है और इसके बाद अगर बात की जाए सिंगराज की, तो सिल्वर मेडल जीतने के बाद 4 करोड़ की राशि से हरियाणा सरकार सम्मानित करेगी सिंगराज को। दोनों खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी देगी सरकार, तो वही पैरालंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ियों पर अब खुशी और जश्न के साथ पैसों की बारिश भी देखी जाएगी। तो वही बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं टोक्यो लगातार बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई है, जहां पर खिलाड़ियों ने निशानेबाजी में कमाल करके इतिहास रच दिया है और 2 और मेडल भारत के नाम आ गए हैं निशानेबाजी में। जहां पर गोल्ड मेडलिस्ट मनीष नरवाल की अगर बात की जाए, जहां पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो हरियाणा सरकार 6 करोड़ रुपए देने जा रही है। तो वहीं सिंगराज जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, उन्हें हरियाणा सरकार 4 करोड़ रुपए देगी और दोनों को सरकारी नौकरी भी देने जा रही सरकार। तो वही इसी खबर पर तमाम अपडेट लेकर के हमारे साथ जुड़ गए हैं विपिन, उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, जिस तरीके से खुशी और जश्न का माहौल पूरे देश में है, क्योंकि इस बार के पैरालंपिक में मेडल्स की संख्या 4 गुना ज्यादा है जो टोक्यो में हो रहा है, तो हरियाणा सरकार प्रोत्साहित करने में भी पीछे नहीं रुकेगी, क्योंकि हौसला अफजाई बनी रहनी चाहिए। तो क्या अपडेट सामने आ रही है? देखिए, लाजमी सी बात है, और हरियाणा सरकार की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए अलग अलग तरह से अलग अलग कैंपेन्स जो है वो भी किए गए, और कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है कि मेन ओलंपिक्स की बात करें या पैरालंपिक्स की बात करें, लगातार हरियाणा का सितारा जो है वो बुलंद होता जा रहा है। हरियाणा के युवा खिलाड़ी हैं, उनकी ओर से ना केवल प्रदेश बल्कि देश का नाम रोशन करने का काम शुरू किया है। ऐसे में मनीष नरवाल हूं या सिंगराज हूं, आज मेडल टैली में जिस तरह से उनकी ओर से सोना और चांदी की चमक दिखाई गई है, हरियाणा सरकार की ओर से भी खेल पॉलिसी यानी कि खेल नीति के तहत जो रिवॉर्ड रखा गया है गोल्ड के लिए 6 करोड़ और सिल्वर के लिए 4 करोड़, वो जो है वो इन दोनों खिलाड़ियों को दिया जाएगा। और ना केवल ये बल्कि सरकारी नौकरी भी जो है एज पर स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है वो देने का ऐलान जो है वो सरकार की ओर से किया गया है। जी बिल्कुल, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हरियाणा सरकार का ये कदम सामने आया है, क्या कुछ और भी प्रोत्साहन राशि है या फिर उनके सम्मान में कोई और भी चीजें हैं जो इस कड़ी में जुड़ सकती हैं आने वाले समय में? देखिए, सम्मान क्योंकि खेल नीति के तहत जो सरकार की ओर से घोषणा की गई है उसकी जो है वो घोषणा सरकार की ओर से कर दी गई है, लेकिन एक खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसका प्रोत्साहन, और प्रदेश और देश के नाम के लिए जिस तरह का जज्बा ये खिलाड़ी दिखा रहे हैं ओलंपिक्स में पैरालंपिक्स में, उससे साफ दिखता है कि ये आने वाले दिनों में चमकते सितारे हैं। और ना केवल ये अवार्ड बल्कि क्योंकि इंडोर्समेंट्स होती हैं अलग अलग सरकारों की ओर से सम्मानित किया जाता है, तो अभी बहुत कुछ बाकी है जो कि चार्ट पर आना जो है वो बाकी है। जी विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया।